आज हमारा बीसीए फर्स्ट सेम में प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गो में आज आपका ये टॉपिक है, वो है आपका राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट एरिया ऑफ एंगल यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, आपको ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है एरिया ऑफ एंगल का, उसको आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सबने मैथ्स में पढ़ा होगा 11th 12th में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको पता लगता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एस एस माइनस सी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें एस कैसे काउंट करते हैं, ये जो आपको ए बी सी की वैल्यू है तीनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर दें, हर शिकार ए बी का, ठीक है, फिर टू से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा मैथ्स में, टेंथ में ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे कैसे बनाएंगे इसका प्रोग्राम। पहले हम क्या करते हैं, हैश इनपुट एस टी डी आई डॉट डॉट एच लगाया, फिर हैश इनपुट फोलियो डॉट एच लगाया, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो एक हेडर फाइल और इंक्लूड करनी एक पड़ेगी, जिसको बोलेंगे हम प्रोग्रामिंग के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, फिर हमने वॉइड मेन फंक्शन बनाया, ठीक है, ये सबको आता है, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाया, सी एन आर एस सी एफ फंक्शन लगाया, फ्लोट बनाया, फ्लोट में क्योंकि फ्लोट में क्यों, क्योंकि एस की वैल्यू हो सकता है फ्लोट में आए 2.0 आ सकती है, 2.8 आ सकती है ना, ए बी सी की वैल्यू भी हम जरूरी नहीं है 2, 3, 4 ही ले, हम 2.5 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे सबको फ्लोट में डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस में लगा के हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया, ए बी सी चाहिए क्योंकि अपन को ए बी सी की वैल्यू देनी पड़ेगी और एस तो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है तो अपन को जरूरत ही नहीं है, और एरिया के अंदर हम क्या लेंगे उस वैल्यू को फाइंड आउट करके लेंगे। ठीक है, एरिया ले लिया, प्रिंट आउट में क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू को क्या किया हमने, एंटर आउटपुट स्क्रीन पर क्या लेंगी ए बी सी की वैल्यू को 3, 5 लेनी पड़ेगी ना, एबीसी में वो वैल्यू डालने के लिए लेनी पड़ेगी, ये एबीसी की वैल्यू है जो आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगी वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर स्कैन एफ से तीनों वैल्यूज को क्या कर लिया, रीड कर लिया। ठीक है, एम परसेंट ए, एम परसेंट बी, एम परसेंट सी, और यहाँ पर सब में कोमा लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, जिससे हमारा एस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एस की वैल्यू जो आएगी वो हम क्या लेंगे इस फॉर्मूले में, एरिया की हमने वैल्यू एरिया लिया तो एरिया लिया, एरिया इक्वल्स टू एस क्यू आर टी लगाया स्क्वायर रूट के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे वाला नहीं लगाते प्रोग्राम में, उसको लिखना पड़ता है एस क्यू आर टी। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया, एस इंटू फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिख कर दे दिया है, वहां पर एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोई भी यूजिंग कुछ भी लिख देंगे वो, मतलब मैथ फंक्शन के थ्रू करिए, मैथ लाइट डिक्लेरेशन, ये थोड़ा पीछे बॉक्स में लेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड
प्रिंट में एस फ्लोर का ये है फ्लोर फ्लोर ए बी सी एस कॉमा ए है ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप रीड कराना पड़ेगा इस वैल्यू को रीड लिखेंगे ए बी कॉमा सी और ए फिर क्या करेंगे आप ठीक है। और आपको लैब में भी यही प्रोग्राम बनाना है। थैंक यू।